तो नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2018 का हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे काफी स्प्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड लेकर लोगे आप। इस बार का सीटेट इसमें उतने ट्रिकी वे मैजिकल वे में 100% मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, चेक करें। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, अरे ये तो जरूरी है लेकिन उतना जरूरी भी नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश सबसे व्यापक आंसर है। इसी में सारा ऑप्शन आपका इनबिल्ड हो जाता है। नोट डाउन करेंगे हमें व्यापक कोई चूज करना है। कक्षा में लिखित आकलन ऐसा बिल्कुल नहीं। कक्षा का परिवेश अगर प्रिंट समृद्ध होगा, TLM होगा, विविध अधिगम शैली का आपका सब कुछ संसाधन होगा, साधन होगा, तो फिर सबसे ज्यादा भाषा का विकास वहीं पे होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। बच्चे की बोलचाल की भाषा और अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है कि अपना भाषा को लेकर वो विद्यालय आते हैं। इनका निहितार्थ है कि बच्चे को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, अरे बिल्कुल नहीं। बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, कभी नहीं सुधारेंगे हम, उसका मदर टंग है। बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बिल्कुल सही। बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए, बिल्कुल नहीं। कक्षा से बाहर रखेंगे तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया। याद रखेंगे बायजूस की कहते हैं, बिना समाज का बच्चा भाषा को सीख ही नहीं सकता। बच्चा भाषा अनुकरण से सीखते हैं, B.F. स्किनर बोलते हैं बच्चा भाषा अनुकरण से सीखते हैं। चॉम्स्की कहते हैं बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने का। और चॉम्स्की कहते हैं बच्चे में LED लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, तो कि जन्मजात होता है। नोट डाउन करेंगे। प्याजे कहते हैं एक से ज्यादा भाषा जिस बच्चे में जो बच्चा जानते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया, इसके बगैर भाषा का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। एक बच्चा अगर जन्म ले, उसे जन्म लेते ही अगर किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो ना वो खाना, नहाना, पीना और ना ही लिखना पढ़ना कोई भी नहीं सीख पाएगा, वो पशुओं जैसा व्यवहार करेगा। नोट डाउन करेंगे सबसे व्यापक आंसर ऑप्शन थर्ड, दृश्य श्रव्य सामग्री, बिल्कुल सही। ये तो है, ये TLM का एक भाग है, बाल साहित्य TLM का एक है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया सबसे व्यापक है और हमें व्यापक को ही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए क्या, क्या प्रयास होना चाहिए देख लें। बच्चे की भाषा संबंधी सहजी रचना शक्ति को बढ़ने में अवसर दे। चलिए अवसर है तो हम इसे थोड़ा सा अवसर देते हैं, थोड़ा सा इसे और ऑप्शन को चेक करेंगे। बच्चे की मातृभाषा के स्थान पे हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, अरे ऐसा हो नहीं, बच्चे का मातृभाषा को हम सम्मान देंगे। बच्चे द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर देंगे। देखिए यहाँ पे अवसर भी पॉजिटिव है लेकिन ही देके इसे नेगेटिव ऑप्शन कर दिया। नोट डाउन करेंगे, अवसर के साथ ही आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे को शिक्षा प्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर देंगे, अवसर यहाँ भी दे दिया, जी हाँ। तो अब देखिए बच्चे के भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर देंगे। सबसे ज्यादा व्यापक आंसर 1 है, आप चेक करोगे इसी के अंदर। आप 1 के अंदर जितना भी ऑप्शन है वो समाहित हो रहा है और हमें ब्रॉड को ही चूज करना। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे। कक्षा 5 के बच्चे के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। जी हाँ, किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, इन सब जब भी आ जाए तो नेगेटिव चेक करेंगे। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करें, केशव के शब्दों में लिखो। अब केशव के शब्दों में लिख के क्या होगा, ये कोई तथ्य मुझे नहीं लग रहा है। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, चलिए किन किन कामों में होगी, थोड़ा सा व्यापक लग रहा है ये। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराते, इसमें भी काफी एक से ज्यादा आंसर निकलेगा। ईदगाह के कहानी में हमिद ने मेले से क्या खरीदा, अब भैया इसमें तो एक ही ऑप्शन होगा, ये तो बंद अंत वाला ऑप्शन है। क्लोज माइंडेड क्वेश्चन है, ओपन माइंडेड एक से ज्यादा, जिसे खुला अंत वाला क्वेश्चन है। आप 1, 2, 3 को चेक करो, सब में एक से ज्यादा आंसर आपको मिलेंगे। केशव सबसे क्या कहता है, कल्पना करे, काफी कल्पना करेगा बच्चा। हाँ केशव ये भी बोलता, ये भी बोलता, ये भी बोलता। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो ईला को ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी, चीजें होगी। अपने दोस्त से पूछ कर पता करोगे किन बातों से घबराता, काफी दोस्त होगा, काफी चीजें इनको पता चलेंगी। एक से ज्यादा आंसर है, ओपन माइंडेड है, लेकिन सबसे कमजोर ये है कि ईदगाह से हमिद ने क्या खरीदा था, चमटा खरीदा था, ये एक NCERT का कहानी है, वहीं से लिया गया है।
ईदगाह से हमिद ने एक चमटा खरीदा था। क्वेश्चन नंबर A111111 लेंगे। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, तो सबसे पहले भाषा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, श्रवण कौशल। जब तक सुनेगा नहीं तो इंसान अनुकरण करके भाषा को सीख नहीं सकता है, और सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे, बोलेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे। और चारों कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित है। क्या है? अंत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112 लेंगे। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? चेक करेंगे सुनने और लिखने का, नोट डाउन करेंगे, अनुकरण और राइटिंग। यहाँ पे लिसन और राइटिंग की बात हो रही है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? चेक करेंगे कविता सुनना और शब्दांश लिखना। तो कविता सुनना तो अच्छी बात है, शब्दांश से क्या राइटिंग हो जाएगा क्या? कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखना, रहे बिल्कुल नहीं। सुनी गई कहानियों को अपने शब्दों में लिखना, तो भैया सुनी गई कहानी को तो वो सुन रहा है, तो श्रवण कुशलता हमारा हो रहा है। अपने शब्दों में लिखेगा तो वो कल्पना करेगा, सोचेगा, उसकी अभिव्यक्ति करेगा, ब्रॉड लिखेगा। सुनी गई कहानी के शब्दांश लिखना ऐसा बिल्कुल कतई नहीं। क्वेश्चन नंबर 113 लेंगे। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वो पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऐसा नहीं है वो अटक अटक के भी पढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। सार्थक, बिल्कुल सही, सार्थक ने सार्थक अधिगम कर रहा है। कितना जबरदस्त नाम है, सार्थक, सार्थक अधिगम कर रहा था, समझ समझ के पढ़ रहा था, इसलिए वो अटक रहा था। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं। 114 लेंगे। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल जब भी शब्द आ जाए, त्रिनेत्र को ओपन करना है, और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, कुंभ के मेले के दो भाई को हमें मिलाना है। नोट डाउन करेंगे इंटरनल मेमोरी में। जी हाँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कहानी के मार्फत से, ताकि आपको इंटरनल मेमोरी में ये सेव हो जाए। अब चेक करेंगे, आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चे की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना। चलिए ये तो हम नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चेक करें भाषा, ऑप्शन 2, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेषता आवश्यकता की पहचान करना, ये तो भाई उद्देश्य है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी है। बच्चे की भाषा का त्रुटि की ही पहचान करना, अरे भैया ये ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, खाली आप त्रुटि को ही देखोगे, उनके अचीवमेंट को आप नहीं देखोगे, ऐसा कोई उद्देश्य। अभी आकलन में, आकलन में आपका दोनों पक्षों को देखते हो आप, शैक्षिक अशैक्षिक, और उसका त्रुटि कहाँ पे, निदान कहाँ पे कर रहा, उपचार कहाँ पे कर रहा, सबसे ज्यादा ये उद्देश्य। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम त्रुटि को ही देखिए, त्रुटि को ही एक नेगेटिव टैगवर्ड है, और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई दोनों को कुंभ के मेले में भाई भाई को मिला दिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 लेंगे दोस्तों। 115, अपने विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण क्या है? अपने विचार से लिखेगा, ठीक है। छुट्टियां कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भाई ऐसा कोई बड़ा विचार नहीं लग रहा। मेरे सपनों की भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी कोई व्यापक नहीं लग रहा। पाठ पुस्तक से इतर कठिन शब्द का श्रुत लेखन, ऐसा भी नहीं है। किसी आंखों देखी घटनाओं का उल्लेख करना, जो बालक है या जो स्टूडेंट है वो रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, किसी आंखों देखी घटना पे कल्पना करेगा, बताएगा, ब्रॉड अभिव्यक्ति करेगा, काफी व्यापक आंसर है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 लेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही। नॉम चॉम्स्की कहते हैं बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे में LAD लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, ये भी उनका कहना था, बिल्कुल सही। और बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा और पूंजी से लैस होते हैं, लैस इन द सेंस हिंदी का लैस परिपूर्ण, अगर आप इंग्लिश में लैस कर लोगे तो आपका क्वेश्चन लैस हो जाएगा, नोट डाउन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 117 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो भी है, और आप इसे 2 मिनट के अंदर आप 4-5 नंबर कंफर्म हो जाएगा उस वीडियो को देखने से। डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, सुनने से बिल्कुल नहीं, बोलने से बिल्कुल नहीं, पढ़ने से बिल्कुल नहीं, डिसग्राफिया लिखने से है। इसका ट्रिक है, ग्राफ को हम लिखते हैं और लिखने से संबंधित डिसग्राफिया होता है। 2 मिनट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप एक बार देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 लेंगे। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पाठ्यपुस्तक में किसे मानेंगे? बहुत प्रसिद्ध लेखक की प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है, मान सकते हैं। आगे चेक करेंगे नैतिक मूल्य वाली कहानियां, इसे भी चलिए अब आगे चेक करेंगे। बहुतायत में दिए गए अभ्यास, अभ्यास एक नेगेटिव है, इसे तो हम कभी मानेंगे ही नहीं। हिंदी भाषा
को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा के विविध रूप, और विविध रूप एक पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, सबसे बड़ा व्यापक आंसर, इसमें सारा समाहित हो जाएगा, हमें ब्रॉड चीज को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 119, 119 लेंगे, बहुभाषिकता, इसके ऊपर वीडियो भी है दोस्तों, जाके चेक कर लेना। हिंदी का 8 से 9 वीडियो है, आपका पूरा टॉपिक हिंदी का पैडागोजी खत्म हो जाएगा। 9 वीडियो देखना, वो भी 10-10 मिनट का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुभाषिकता क्या है? संसाधन के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही, बहुभाषिकता एक संसाधन है, बच्चे एक दूसरे से दूसरा भाषा भी सीख रहे हैं, एक संसाधन है, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। शिक्षक के लिए बहुत जटिल चुनौती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन वन। लास्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार क्या है? अब देखेंगे, भाषा सीखना मतलब अधिगम, अब भाषा अर्जित मतलब अर्जन, अर्जन जो है विद्यालय जाने से पहले होता है, समाज से होता है, स्मूथली होता है, अब उसका मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाषा की लिखित आकलन, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे भाषा को विद्यालय जाने से पहले जान रहे हैं। भाषा का उपलब्ध परिवेश, ये सबसे जबरदस्त है, और इसी का अंतर है भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन में, क्योंकि अर्जन जो है वो परिवेश से, अनुकूलन से, स्मूथली विद्यालय जाने से पहले, और स्मूथली अर्जन होता है, प्रयासपूर्ण जो है भाषा अधिगम होता है। नोट डाउन करेंगे, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों यहाँ पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर डिजिटल क्लास दोनों को कर लोगे, इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल वे फर्स्ट अटेम्प्ट में मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।